हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे ही स्रोतियों जी, आनू 1 MLA 1 पेंशन एक्ट में हाई कोर्ट से चुनौती। पंजाब सरकार नु नोटिस जारी। ताज़ा वड्डी खबर आ चुकी है। खबर नु शुरू करन तो पहला, जिन्हां लोगों ने चैनल नु सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लैन, तो वीडियो नु हद तो वध लाइक एंड शेयर भी कर देना। हाँ जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच 1 MLA 1 पेंशन चुनौती एक्ट दिता गया है। इस एक्ट खिलाफ 6 साबका विधायकों ने पटीशन दाखिल किया। यह चुनौती लुधियाना के राकेश पांडे ते होरना वल दिती गई है। हाईकोर्ट ने इस पटीशन ते पंजाब सरकार तो जवाब मंगया है। यह पटीशन साबका विधायक राकेश पांडे, मोहन सिंह ठड्डल, मोहन लाल, गुरविंदर सिंह अटवाल, सरवन सिंह दलाल सिंह नू दाखिल की है। सीनियर एडवोकेट के साबका विधायक राकेश पांडे ने दसिया कि हाईकोर्ट में असी यह मांग की कि 1 MLA 1 पेंशन एक्ट पुराने MLA उत्ते लागू ना किया जाए। सानू जिस तरह पेंशन मिलती है उस तरह ही मिलती रहे। यह एक्ट नवे विधायकों उत्ते लागू किया जाए। इस संबंधी हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नोटिस किया है। हुण पंजाब सरकार नू जवाब देना पड़ेगा यह एक्ट क्यों लागू किया गया। दस दिए कि पंजाब सरकार ने एक्ट लिया कि सूबे दे विच किसी भी विधायक नू सिर्फ 1 ही पेंशन मिले, भावें वह किन्नी बार भी विधायक होवे। हुण तक सूबे च यह नियम सी जिन्नी बार कोई जन प्रतिनिधि विधायक बनेगा उसे नू उसे ही कार्यकाल च उन्नी ही पेंशन मिलेगी। बाकी खबर नू अंत तक देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।